खबर है यूपी के बरेली से, जहां भोजीपुरा थाना इलाके के विव्यापुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि चार लोग गोली लगने से घायल हो गए। बताया यह जा रहा है कि परिजनों के मुताबिक देर रात कुछ लोग नरेंद्र को घर से बुलाकर ले गए थे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, जबकि पड़ोस के घरों पर फायरिंग की गई जिसमें दो महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए। मृतक के परिजनों के अनुसार वह दो बार प्रधान चुने जा चुके हैं और तीसरी बार 15 अप्रैल को चुनाव था, लेकिन विरोधियों ने ना तो उन्हें गांव में घूमने दिया और ना ही कहीं पर प्रचार करने दिया। वहीं कई बार हमला करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उन लोगों ने थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी का अंजाम है कि विरोधियों ने आज उनके परिजन नरेंद्र की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल गांव में पहुंचा। पुलिस के अनुसार देर रात गांव में फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस गांव में पहुंच गई थी। वहीं घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इसी कड़ी में आज सुबह गांव के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जिसने गोली मारी है, क्या नाम है उनका? ये बनी है, ये गोली का वही कुछ खास पता नहीं है। तो किसने गोली मारी थी पता नहीं आपको? अरे रात के 12 बज रहे थे। मुझे शक है कि एक लाल सिंह है और एक वीरेंद्र पप्पू है, धर्मवीर है, और कौन है? वो है देवदत्त, प्रेम सिंह। तो ये घटना कहाँ पे अंजाम दिया? आपके घर पे? बाहर बाहर बुला के ले गए थे, यहाँ खड़े थे, मैं गेट खोले खड़ी थी 12 बजे, मैंने कि आ जाओ अंदर। फिर फोन आया, किसी का फोन आया, उस साइड के आगे बढ़े थोड़े से और फिर यहाँ से भगाते हुए ले गए उधर, मारा जंगल में ले जाके पकड़ के ले गए। अब मैं पुलिस को नहीं, वही अकेले थे। हाँ, और चार लोगों के गोली लगी, वे हॉस्पिटल में हैं। उनके पहले मारी, पहले उनके मारी, फिर हमारे घर मकान पर। चार लोगों के जो हॉस्पिटल में, उनको कहाँ गोली मारी? वही ना, वो उनके उस साइड में मारी, पीछे मकान पर। भोजीपुरा के ग्राम बीबियापुर में रात एक फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को जैसे सूचना मिली, तत्काल स्थानीय थाना के द्वारा मौके पर गया गया। सीओ साहिबान और मेयर द्वारा भी तत्काल प्रभाव से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांव में चार लोग, जिनमें महेंद्र, उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी और उनका लड़का प्रियांश, चार लोग घायल अवस्था में मिले। इनको चिकित्सा उपचार हेतु बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके द्वारा बताया गया कि गांव के ही नरपत एवं धर्मवीर एवं इनके साथ अन्य 5 लोग जो कि नामजद हैं, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस संदर्भ में थाना भोजीपुरा पर एक इनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एक FIR पंजीकृत कर लिया गया है। इसी क्रम में आज सवेरे लगभग 6 बजे ग्राम बीबियापुर के जंगल में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि एक शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया, तो उस जो मृतक हैं उनकी पहचान नरेंद्र, जो कि ग्राम बीबियापुर के ही रहने वाले हैं, के रूप में की गई। मौके पर आसपास के जितने भी थाने, वहाँ के फोर्स, सीओ साहिबान और मैं स्वयं मौके पर हूँ। मौके पर FSL की टीम को बुलाई गई। FSL की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और पता लगा कि इनकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। और शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर लॉ ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मौके पर पुलिस फोर्स और गाँव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो भी अभियुक्त इसमें हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई। अलग अलग जगह पर जो हमें कुछ लीड मिले हैं, उसके आधार पर हम अलग अलग जगह पर दबिश दे रहे हैं। तुरंत अब अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।